नमस्ते सभी को। आज की संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक सेमोसी भाग द्वितीय के प्रथम पाठ सूची पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। सूची पर्यावरण शब्द का अर्थ होता है शुद्ध पर्यावरण। अर्थात हमारा पर्यावरण कैसे शुद्ध रहे और हमारा पर्यावरण किस प्रकार प्रदूषित हो रहा है उसको कवि इस पाठ के माध्यम से अपनी व्यथा को बता रहा है कि इस प्रकार महानगरों की चकाचौंध दुनिया में अपने कुछ सुख सुविधाओं के साधनों की चक्कर में पर्यावरण को प्रदूषित करने में लगी हुई है। तो इस पर्यावरण को कैसे शुद्ध रखा जाए, कैसे स्वच्छ रखा जाए, इसके बारे में इस पाठ में कवि अपनी व्यथा बता रहा है। आइए देखते हैं। सूची पर्यावरण पाठ का अर्थ है शुद्ध पर्यावरण। सबसे पहले पाठ में कवि के द्वारा प्रस्तावना बताई गई है। प्रस्तावना से तात्पर्य होता है कि इस पाठ में किस चीज का वर्णन किया गया है और यह पाठ कहाँ से लिया गया है। देखिए, पयम पाठ है, आधुनिक संस्कृत कवि है हरिदत्त शर्मणः। लसत लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयम पाठ है, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणः, हरिदत्त शर्मा के द्वारा, यह पाठ आधुनिक कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा लसत लतिका, जो ये शब्द है लसत धन लतिका, इसमें लतो संधि होती है तो तक को भी क्या हो जाता है, ल हो जाता है। तो लसत लतिका इति रचना संग्रह, इस रचना संग्रह से संकलित तो अस्ति, संकलित है क्या, जो सूची पर्यावरण पाठ है वह हरिदत्त शर्मा के द्वारा रचित लसत लतिका इस रचना संग्रह से इस पाठ को लिया गया है, संकलित किया गया है। इस पाठ के लेखक कौन है, हरिदत्त शर्मा। और इस पाठ को कहाँ से लिया गया है, हरिदत्त शर्मा के द्वारा लसत लतिका रचना से लिया गया है। अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनः दृश्यते। अत्र कवि, यहाँ कवि महानगराणाम महानगरों की यंत्राधिक्येन यंत्रों की अधिकता से परवर्धित जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है उसके ऊपर चिंतित मन से दृश्यते देखता है। यहाँ कवि महानगर में जो यंत्रों की अधिकता है, औद्योगिकीकरण है, उनसे बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर कवि क्या करता है, चिंता व्यक्त करता है। इस पाठ में सह कथयति यद इदम लोह चक्रम शरीरस्य मनसस्य शोषकम अस्ति। सह कथयति, कौन कहता है, कवि हरिदत्त शर्मा कहते हैं कि यद इदम लोह चक्रम, यह लोह चक्र यंत्र रूपी लोह चक्र है, वह शरीरस्य शरीर को मनसस्य और मन को शोषकम अस्ति। शरीर और मन का क्या है, शोषक है। शरीर और मन का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, और यह हमारे ही वायुमंडलम वायुमंडल को क्या कर रहा है, मलिन कर रहा है, दूषित कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। कवि ही महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कुंजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। यहाँ कवि बता रहा है कि महानगरीय जीवनात, जो महानगर का जीवन है, उसे सुदूरम कहीं दूर, नदी निर्झरम नदी निर्झरम झरने, वृक्ष समूह वृक्षों के समूह, लता कुंज लता का कुंज, पक्षी कुल कलरव कुंजित, जहाँ पक्षी कुल कलरव कर रहे हैं, कुंजित कर रहे हैं, उस वन प्रदेश के प्रति
जाने की इच्छा कर रहा है। कौन कर रहा है? कवि हरिदास शर्मा इस पाठ में बता रहे हैं कि वह इस महानगरों के यंत्रों की अधिकता वाले जीवन से, प्रदूषित वातावरण से कहीं दूर जहां पर झरने हो, नदी हो, तालाब हो, पक्षी कुल कलरव गुंजित कर रहे हो, कोलाहल कर रहे हो, वहां पर कौन जाना चाहता है? कवि जाना चाहता है। तो इस पाठ में कवि अपनी व्यथा व्यक्त कर रहा है प्रदूषित वातावरण के ऊपर। आइए देखते हैं श्लोक को। दूर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं महानगरमध्ये चलदनिशं कालायस्य चक्रं महानगरमध्ये चलदनिशं कालायस्य चक्रं मनः शोषयत् तनुः पेषयत् भ्रमति सदा वक्रम् मनः शोषयत् तनुः पेषयत् भ्रमति सदा वक्रम् दुर्दान्तैदशनैरमुना सानैव जनग्रसनम् दुर्दान्तैदशनैरमुना सानैव जनग्रसनम् शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम्। देखिए इस श्लोक के माध्यम से कवि क्या बताना चाह रहे हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, दुर्वहम कठिन, अत्र यहाँ, जीवितम जीना, जातम हो गया है, यहाँ पर जीवन जीना क्या हो गया है? कठिन। प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही एकमात्र क्या है? हमारी शरण है। यहाँ पर कहाँ पर? इन महानगरों में जीवन जीना कठिन हो गया है, इस कारण प्रकृति ही एकमात्र शरण है। इस कारण इस प्रकृति की रक्षा के लिए शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को क्या करना चाहिए? शुद्ध करना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। महानगर मध्य चलत अनिशम कालायस चक्रम, महानगरों के मध्य चलत अनिशम, महानगरों के मध्य चलता हुआ अनिशम दिन रात कालाय चक्रम, काल रूपी लोहे का चक्र, मनः शोषयत मन को सुखाता हुआ, तनुः पेषयत शरीर को पीसता हुआ, भ्रमति सदा वक्रम, सदा वक्रम टेढ़ा भ्रमति घूमता है महानगरों के मध्य दिन रात चलने वाला यह लोह काल रूपी लोहे का चक्र, मन को सुखाता हुआ शरीर को पीसता हुआ सदा टेढ़ा चलता है। दुर्दान्तई दशनई रमुना, दुर्दान्तई भयंकर, दशनई दांतों वाला, अमुना यह है, नैव जनग्रसनम यह भयंकर दांतों वाला यह कहीं जनग्रसनम जन को ग्रसित नहीं कर दे, लोगों का विनाश नहीं कर दे, इसलिए हमें क्या आवश्यक है? सूची पर्यावरणम, पर्यावरण को स्वच्छ रखना आवश्यक है। इस श्लोक का अर्थ हुआ कि दुर्वहम अत्र, यहाँ पर महानगरों में प्रदूषित वातावरण में जीवन जीना क्या हो गया है? कठिन हो गया है। इस कारण महानगरों में काल रूपी लोहे रूपी चक्र यंत्र यान बहुत सैकड़ों यान, इनके मध्य रहना क्या हो गया है? कठिन हो गया है। इस कारण यह मन को भी सुखा रहा है और तनो शरीर को भी पीस रहा है और इसके भयंकर दांत जनों का विनाश कर रहे हैं, लोगों का विनाश कर रहे हैं। अगले श्लोक में देखते हैं। कच्चल्मलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानम्, कच्चल्मलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानम्, वाष्पयानम्
संभावति वितरन्ति द्वानम्। वाष्पयानमाला संभावति वितरन्ति द्वानम्। यानानां पंक्तयो हनन्ताः कठिनं संसरणम्। यानानां पंक्तयो हनन्ताः कठिनं संसरणम्। सुचिपर्यावरणम् सुचिपर्यावरणम्। देखिए इसका अर्थ कवि इस श्लोक के माध्यम से क्या बता रहे हैं। कज्जल मलिनम, कज्जल काजल के समान मलिन, धूमन धुआं, काजल के समान मलिन धुआं। मुंचती छोड़ती हुई सतसकटी यानम, सैकड़ों यान, काजल के समान मलिन धुआं छोड़ते हुए सैकड़ों यान। वाष्प यान माला अर्थात रेल ट्रेन। संधावती दौड़ती हुई, वितरते ध्वनम, ध्वनि को क्या करती हुई जाती है, बिखेरती हुई जाती है। सैकड़ों यान काजल के समान धुआं छोड़ रहे और ट्रेन दौड़ती हुई ध्वनि प्रदूषित कर रही है। यानानां पंक्तयो हनन्ता, यानों की पंक्ति में, बहुत सैकड़ों यानों की पंक्ति में, अनंत अनंत यानों की पंक्ति में कठिनम संसरणम, चलना क्या हो गया है, कठिन हो गया है। इस कारण हमें क्या है, शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है। काजल के समान मलिन धुआं छोड़ते हुए सैकड़ों यान और ट्रेन ध्वनि बिखेरती हुई दौड़ती हुई जाती है, कहां, महानगरों में। तो इन नगर इतने प्रदूषित हो गए हैं, इस कारण हमें शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है। अगला श्लोक देखिए। वायुमंडलम भृशं दूषितं न ही निर्मलं जलं, कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्षं समलं धरातलं। करणीयं बैरांतर्जगति तो बहुशुद्धीकरणं। शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं। वायुमंडलं भृशं दूषितं न ही निर्मलं जलं, कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्षं समलं धरातलं। करणीयं बैरांतर्जगति बहुशुद्धीकरणं। शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं। देखिए इसका अर्थ कवि क्या बता रहे हैं। वायुमंडलं भृशं दूषितं, वायुमंडल भृशं अत्यधिक दूषित हो गया है, जो हमारा वायुमंडल क्या है, अत्यधिक दूषित हो गया है। नहीं निर्मलं जलं, और हमें नहीं, जो स्वच्छ जल प्राप्त नहीं हो रहा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम, जो भक्षम भक्षण करने योग्य चीजें हैं, जो हमारे खाने योग्य चीजें हैं, वह भी कुत्सित वस्तु बुरी वस्तुओं से क्या हो गई है, मिश्रित हो गई है, केमिकल से मिश्रित हो गई है। समलम धरातलम, जो हमारा धरातल है, हमारी धरती है, वह भी मल से क्या हो गई है, दूषित हो गई है। करणीयम बहिर अंतर जगति, इसलिए हमें करणीयम करना चाहिए, बहिर अंतर बाहर और अंतर जगति संसार में, इस संसार में बाहर और अंदर तू बहु शुद्धिकरणम, बहुत शुद्धि करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इस संसार के अंदर और बाहर शुद्धिकरणम होना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। कंचित कालम नैमामस्माद् नगराद् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्जननदीपैपूरम्। एकान्ते कान्तारे क्षणम् अपि मे स्यात् सञ्चरणम्। शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम्। देखिए इस श्लोक के माध्यम से कवि क्या बता रहे हैं। जो कवि है हरिदत्त शर्मा,
इस महानगरों की दुनिया से महानगरों में क्या हो गए हैं, रहना दुर्लभ हो गया है। इस कारण वह बता रहे हैं कंचित कालम, कुछ काल के लिए नए ले जाओ मान अस्मात नगरात, मुझे इस नगर से बहुत दूरम कहीं बहुत दूर ले जाओ, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से कहीं दूर ले जाओ। प्रपश्यामि ग्रामांते, ग्रामांते गांव की सीमा पर प्रपश्यामि, देखना चाहता हूँ निर्जल झरने नदी, पयेह पूरम और जल से पूरित झरने तालाब आदि को मैं क्या करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे और एकांत में कांतारे वन में, क्षणम अपि कुछ क्षण भी मैं वहां पर संचरण करता हूँ, वहां पर घूमता हूँ तो मुझे क्या होगा, सुख की प्राप्ति होगी। सूची पर्यावरणम, इसलिए पर्यावरण को स्वच्छ रखना शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। अगला श्लोक देखिए, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुमावली समीर चालिता शानमे वरणीया, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। इस श्लोक का अर्थ देखिए, हरित तरुणाम हरे वृक्षों की, ललित लता नाम जो ललित लताएं हैं उनकी माला अर्थात पंक्ति मेरे लिए क्या है, रमणीय है, सुंदर है, देखने योग्य है। कुसुमावली समीर चालिता, समीर चालिता जो हवा से, हवा के चलने से जो कुसुमावली फूलों की पंक्तियां हैं वह टेढ़ी हो रही है, शांत में वरणीय जो मेरे लिए क्या है, वरणीय है, देखने योग्य है। नव मालिका रसालम, नव मालिकाए रसालम जो आम, रसालम आम की जो नवीन मंजरिया है वो है मिली हुई, रुचिरम जो मेरे लिए रुचिकर है उसका प्राप्ति होना मेरे लिए आवश्यक है। सूची पर्यावरणम, पर्यावरण की शरण ही मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगला श्लोक देखिए, आई चल बंदो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, पुर कलरव संभ्रमित जने भ्यो धृत सुख संदेशम, चाक चिक्के जालम नौकोर्यात जीवित रवे संहरणम। आई चल बंदो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो द्रुत सुख संदेशम, चाक चिक्के जालम नौकुर्यात जीवितर संगरणम। सुचि पर्यावरणम, सुचि पर्यावरणम। देखिए इस श्लोक का अर्थ कवि क्या बता रहे हैं, आई चल बंधो, अरे बंधु अरे मित्र चलो, कहाँ चलो, इन महानगरों से दूर, कहाँ, खग कुल कलरव जहां पर पक्षी कुल कलरव कर रहा है उस गुंजित वन प्रदेश में क्या करो, तुम मेरे साथ चलो। पुर कलरव, पुर का अर्थ यहां नगर से लिया गया है कि नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों को भी द्रुत धैर्य के सुख का संदेश दो, जो इन नगरों के कोलाहल में संभ्रमित भ्रमित हो रखे हैं उन लोगों को भी धृत धैर्य का सुख का संदेश दो। चाक चिक्के जालम और ये नगरों की चकाचौंध भरी दुनिया में नौपुर्यात जीवित संहरणम, इस चकाचौंध भरी दुनिया में कहीं वह अपने जीवन का हरण न करने दे, इस कारण सूचि पर्यावरणम, पर्यावरण की शरण में जाना बहुत जरूरी है। अगला श्लोक देखिए,
तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणि सभ्येता निसर्गे सानुसमाविष्टा मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणं सुचिपर्यावरणं सुचिपर्यावरणं। देखिए इस श्लोक के माध्यम से कवि क्या बता रहे हैं, प्रस्तर तले पत्थर के तलों में लता तरु गुल्मा, लता लताएं तरु वृक्ष गुल्मा झाड़ियां, पत्थरों के तलों में लता वृक्ष और ये झाड़ियां नो भवंतु भवंतु पिष्टाः, ये क्या होनी चाहिए, पत्थरों के तलों में नहीं पिसनी चाहिए, क्या नहीं पिसनी चाहिए, लता तरु गुल्मा वृक्ष झाड़ियां और लताएं पत्थरों के तलों में नहीं दबनी चाहिए। पाषाणी सभ्यता, जो ये पथरीली सभ्यता है, निसर्गई निसर्गे अर्थात प्रकृति में समाविष्टा समाहित नहीं होनी चाहिए। मानवाय जीवनम कामये, हरिदत्त शर्मा जो कवि है वह कहते हैं कि मैं मानव के जीवन की कामना करता हूं, नो जीवन मरणम, ना कि मैं जीवित रहते हुए उनके मरने की कामना करता हूं। हरिदत्त शर्मा कह रहे हैं श्लोक के माध्यम से कि मैं सभी लोगों के जीवित रहने की कामना करता हूँ, ना कि इनके जीवित रहते हुए मरने की कामना करता हूँ। इस कारण हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना है, स्वच्छ रखना है, हमारे सुख सुविधाओं के साधनों के चक्कर में हमें प्रकृति को नष्ट नहीं करना है। इस पाठ के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है, तो इसको हमारे जीवन में भी अपनाना है, हमें भी पर्यावरण को शुद्ध रखना है। ठीक है, इस यह पाठ समाप्त हुआ और अगले क्लास में हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। धन्यवाद सभी को।